गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्लास 11th में क्या पढ़ा रहे थे, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। ये बता दिया है तुमको कि दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट या जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होगा, जो ऑपरेटर यूज करेंगे वो कैसा दिखता है, डॉट के जैसा दिखता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से हम क्या बोलने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, क्रॉस वेक्टर। ठीक है, ये सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो यूज होगा वो कैसा है, क्रॉस होने वाला है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो क्वांटिटी आएगा सॉल्व करने के बाद, दो वेक्टर्स के डॉट करने के बाद जो क्वांटिटी आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को क्रॉस करने पर जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस हैं वेक्टर्स में, जो हमें क्या करने हैं, सीखने हैं। अच्छा, अभी मैंने तुमको डॉट प्रोडक्ट, मैंने देखो डॉट प्रोडक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। और डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन अगर भी बोले ना कि डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखा था, जब भी मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा कुछ मिले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मिले तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, इसका डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ वेक्टर एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो वेक्टर एंगल है थीटा उसका कॉस, ए बी कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन यूज करने के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये डेफिनेशन यूज करने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का वेक्टर एंगल भी पता होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने देखा था वो था आई कैप वेक्टर डॉट आई कैप वेक्टर। अब आई कैप वेक्टर डॉट आई कैप करोगे तो ये आई कैप ये एक यूनिट वेक्टर है क्या, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, मैग्नीट्यूड के प्लेस में रख दिया वन। फिर से ये आई कैप जो है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, वन। तो आई कैप और आई कैप, ए और बी दोनों आई कैप थे तो दोनों के मैग्नीट्यूड वन इंटू वन इंटू। अब दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों मेरे पास आई कैप के अलोंग है, मतलब दोनों एक्स के पॉजिटिव के अलोंग है ना, पहला वेक्टर भी इसी तरफ है दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ है, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का जो वेक्टर एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो डिग्री होता है। तो यहां पर वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो, अब कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है इसलिए क्या हो गया, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू आया था वन। अच्छा, उसी तरह जे कैप डॉट जे कैप भी क्या आया था, वन। और के कैप डॉट के कैप ये भी क्या आया था, वन। इसके बाद हमने क्या देखा था, अगर मैं ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन करूं आई कैप डॉट जे कैप, अब आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या, आई कैप एक्स के अलोंग है और जे कैप वाई के पॉजिटिव के अलोंग, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और यहां पर क्या लिखोगे cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब आई कैप और जे कैप का जब मैं डॉट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मुझे आई कैप डॉट के कैप कैलकुलेट करना है, यह भी 0 आएगा क्या, हाँ या ना। तो हमने क्या देखा था, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है अगर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। याद क्या रखना है अपने को, अगर दो वेक्टर्स है कैसे भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर्स कैसे भी वेक्टर्स हैं, अगर आपने उन दो वेक्टर्स का डॉट किया और रिजल्ट अगर तुमको जीरो मिल रहा है, ठीक है, अगर तुमको रिजल्ट जीरो मिल रहा है तो वहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो सकता है। ये कंडीशन तुमको क्या करना है, याद रखना है। या इसका जो कन्वर्स होगा वो तो हमेशा ट्रू होगा कि जब भी दो वेक्टर के बीच में वेक्टर एंगल जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म हुआ अगर, तो दोनों के बीच का जो वेक्टर, दोनों के बीच का जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है या डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। बात समझ में आया क्या, तो आई कैप जे कैप आई कैप के कैप जे कैप के कैप ऐसा कोई भी मल्टीप्लीकेशन करोगे जो आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है।
ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स थे हमारे पास। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो एग्जांपल वन ऐसा बोलूं, एग्जांपल वन क्या है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 5, जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10, और इनके बीच में जो थीटा है, जो वेक्टर एंगल है, वो कितना है 37 डिग्री। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, और दोनों के बीच का जो वेक्टर एंगल है वो भी मुझे पता है, क्या थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। अब मैं सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं अगर, तो मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा क्या यहां पर, तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, और इनके बीच में जो वेक्टर एंगल है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होने वाला है 37 होने वाला है, ये थीटा, सॉरी ये 37, ये 3, ये 4, ये 5, तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 5 से 5 जब कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा क्या। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एग्जांपल या टाइप वन क्वेश्चन जो होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में, वो ऐसा होगा कि a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और दोनों के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। इस एग्जाम्पल वन जो होगा वो अपने डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं या टाइप वन प्रॉब्लम होने वाले थे, ठीक है। अच्छा, इसमें और मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा। अब देखो, इतना तो मैं आपको समझता हूं कि इस लेवल पे तो आप जरूर होगे कि आप इस वाले फॉर्मुलेज में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो फाइंड कर सको, ठीक है। इतनी गरीबी तो नहीं होगी कि ए डॉट बी वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, दोनों के बीच का वेक्टर एंगल भी गिवन है, तब भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर ज्ञान की इतनी गरीबी है, अगर अपने को लग रहा है कि नहीं सर अपने को नहीं आता है, ज्ञान की इतनी गरीबी है, तो क्या करेंगे, बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। 8, 9, 10 के मैथ्स को दोबारा से पढ़ेंगे, जब तक ना लगे कॉन्फिडेंस तब तक पढ़ेंगे। देखो, गरीब होना इज नॉट गुड, मतलब whenever I'll be saying गरीब, इट्स नॉट इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी दैट आई बी सिग्निफाइंग, ठीक है। मेरे के लिए गरीब होता है वो इंसान जिसके पास नॉलेज की कमी है, वो जो नॉलेज की कमी होते हैं ना, वो क्यों ना वो लाखों करोड़ों कमाते हो लेकिन वो है गरीब, वो जैसे ही अपनी मुंह खोलेंगे वो अपनी गरीबी दिखा देंगे कि वो कितने गरीब हैं। तो इंटेलेक्चुअल बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, अपने को IQ लगाना सीखना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कुछ भी बोल के चला गया, अपने को तो समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया सर। हाई लेवल के जोक समझने के लिए भी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बहुत जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए। अच्छा, टाइप वन प्रॉब्लम बता दिया मैंने, अब टाइप टू प्रॉब्लम क्या है। टाइप टू प्रॉब्लम भी मैंने स्टार्ट कर दिया था शायद। मान लो टाइप टू प्रॉब्लम ऐसा है, अभी जो वेक्टर है, वेक्टर ए का डेफिनेशन इस तरह है, कुछ तो 2i cap + 3j cap है, और वेक्टर बी का डेफिनेशन है मान लो 7i cap + 4k cap + 3j cap, या माइनस माइनस ले लेते कहीं पे, -3j cap, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। फिर से मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनका डॉट प्रोडक्ट अपने को फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है। अच्छा, अभी बोलोगे सर यहां पे तो ए का मैग्नीट्यूड भी नहीं गिवन, बी का भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, और दोनों के बीच का वेक्टर एंगल भी नहीं पता, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ऐसे तुम जब जैसे लेक्चर अभी आगे प्रोसीड हो ना, शायद आज के बाद ही तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख जाओगे, ये ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो निकालना सीख जाओगे, अगर वेक्टर बी ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी आज सीख जाओगे, और अगर दो वेक्टर का डॉट करना सीख गए तो उनके बीच का वेक्टर एंगल निकालना भी सीख जाओगे। ये सारे कुछ मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और मेरे पास वेक्टर ए ऐसा गिवन है 2i cap + 3j cap, और वेक्टर बी क्या गिवन है 7i cap + 4k cap - 3j cap। वेक्टर ए के प्लेस में ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2i cap + 3j cap, इसका डॉट करना है 7i cap + 4k cap - 3j cap, इसी को तो सॉल्व करना है ना। अच्छा, अब बेसिक अलजेब्रा क्या बोलता है कि बेसिक अलजेब्रा ये बोलता है कि ये जो 2i है मेरे पास, ये जो मेरे पास यहां पर 2i cap है, इस 2i cap का मल्टीप्लीकेशन इससे भी होना है, इससे भी होना है, इससे भी होना है, सबसे होना है क्या, हाँ या ना। अच्छा,
टू आई कैप और ये सेवन आई कैप, जब आप इनका डॉट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म अगर मैं लिखूं तो टू इंटू सेवन को मैंने क्या लिख दिया, 14 लिख दिया, और यहां पे क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप लिख सकते हैं क्या ऐसा, पहले इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू टू 14 हो गया और आई कैप डॉट आई कैप, ये पहला टर्म लिख दिया। अच्छा, जब सेकेंड टर्म को 4 के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 8 हो गया और यहां पे हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप। उसी तरह अगर मैं नेक्स्ट वाला टर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो गया और यहां पर आ रहा है हमारे पास, नहीं 2 आई कैप से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो माइनस 6 आई कैप डॉट जे कैप। मैंने 2 आई कैप को क्या कर दिया, पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह मैं 3 जे कैप को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन तुम सीरियसली अगर देखोगे तो इतनी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, यहां पर जो आई डॉट के का टर्म आया है, आई डॉट के क्या होता है, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं क्या, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे और उनका डॉट किया जाएगा अगर, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा क्या, तो अगर ये जीरो रिजल्ट है तो मल्टीप्लीकेशन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह आई डॉट जे करोगे तो वो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो सिर्फ सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, सिर्फ सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं उनका ही डॉट करेंगे क्या, या ऐसा बोल दो कि जो आई कैप जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन एक्स कॉम्पोनेंट के साथ करो, क्यों, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लीकेशन तो जीरो आने वाला है। तो हम सिंप्लिसिटी में याद क्या रखेंगे, जब भी मुझे दो वेक्टर्स गिवन होंगे इस फॉर्मेट में, कॉम्पोनेंट्स के फॉर्मेट में, और मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, x कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर को x कॉम्पोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह y कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर को y कॉम्पोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड z कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर को z कॉम्पोनेंट ऑफ थर्ड वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो भी टर्म्स आएंगे, बाकी सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं। तो यहां पे 7 इंटू 2 14 आई कैप, ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, आई कैप तो 1 होता है ना, तो मैंने क्या किया, पहला टर्म लिख दिया 14। अच्छा, यहां पे जे कैप का टर्म है, यहां पे भी जे कैप का टर्म है, तो ये जे कैप और ये जे कैप का ही डॉट होगा सिर्फ, क्योंकि बाकी सारे टर्म तो जीरो हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो गया क्या। अच्छा, के कैप का टर्म यहां पर जीरो है, यहां पर के कैप का कोई टर्म नहीं है, तो यहां पे 4 के कैप और यहां पे जीरो, 4 इंटू जीरो, ये जीरो हो गया क्या। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 14 माइनस 9 आंसर क्या हो जाएगा, 5, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, मतलब क्या है, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। बात समझ में आया क्या, क्या याद रखना है अपने को, अपने को याद रखना है कि जब भी वेक्टर्स, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं ना, मैं इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना दूं अगर आपके लिए, तो आप ऐसा याद रख सकते हो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है अगर आपको बात समझ में आ गई हो, लेकिन आप चाहो तो एक जनरलाइज फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। जनरलाइज फॉर्मूला देखो क्या होगा, जनरलाइज फॉर्मूला, मान लो जो वेक्टर ए है उसको मैंने ऐसा लिख दिया, अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मैंने वेक्टर ए को ऐसा लिख दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी है उसको मैंने क्या लिख दिया, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आई कैप जे कैप और के कैप मैंने कॉम्पोनेंट्स के टर्म में लिख दिया। अब मुझे फाइंड करना है फिर से क्या, मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स का मुझे क्या करना है, डॉट करना है। अच्छा, देखते हैं, अब आई कैप का डॉट सिर्फ आई कैप से करना है क्या, क्योंकि रेस्ट ऑल द टर्म्स जो होने वाले हैं वो जीरो होने वाले हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जब इससे करोगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, वाई कॉम्पोनेंट वाले का मल्टीप्लीकेशन वाई कॉम्पोनेंट से ही होगा, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा ए वाई बी वाई, और थर्ड कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड, इस तरह से लिख देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर दो, या जो भी रिक्वायर्ड होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर देना, वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता ये इसमें कोई ज्यादा मुश्किल होगा डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। अगर देखो, मैंने आपको टाइप वन वैरायटी बता दिया जिसमें मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे, वेक्टर एंगल गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर वेक्टर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है तो कैसा मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और यहां पे बताया जाए, अगर मान लो वेक्टर पी है माइनस टू आई कैप माइनस सेवन के कैप माइनस प्लस
टू जे कैप, मान लो वेक्टर ए वेक्टर पी ऐसा है, एक और वेक्टर है वेक्टर क्यू, वो कितना है मान लो माइनस थ्री जे कैप, बस इतना ही है। ठीक है, पी वेक्टर हमारे पास इस तरह से है और क्यू वेक्टर इस तरह से, हमें फाइंड करना है, फिर से हमें फाइंड करने को बोला गया है फाइंड पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये वैल्यू मुझे फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, क्यू वेक्टर जो है इसके पास सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट है क्या? अगर इसके पास सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट है इसका मतलब इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी जीरो है और इसका जेड कॉम्पोनेंट, इसका जेड कॉम्पोनेंट भी जीरो है क्या? लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे जे का मल्टीप्लीकेशन जे से सॉल्व करना पड़ेगा, आई का मल्टीप्लीकेशन आई से और के का मल्टीप्लीकेशन के से करना पड़ेगा क्या? तो आई वाला टर्म देखो, यहां पे माइनस टू, यहां पे जीरो, जीरो हो गया क्या? लिखने का कोई मतलब नहीं है। के वाला टर्म देखो, माइनस सेवन और यहां पे जीरो, ये भी जीरो हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास टर्म कौन सा बच रहा है? यहां पे टू जे कैप है, यहां पे माइनस थ्री जे कैप है, तो टू इंटू माइनस थ्री जब करोगे तो माइनस सिक्स हो गया क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स। सिंपली हमने क्या कर लिया, आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप के साथ और के कैप का मल्टीप्लीकेशन के कैप के साथ, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ जा रहा है हमारे पास? माइनस सिक्स। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। डॉट प्रोडक्ट में देखो, एटलीस्ट तो मेरे को नहीं लगता कि डॉट प्रोडक्ट में तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सर आप क्या बोलते हो कुछ पता ही नहीं चलता है, सर कुछ भी बोल देते हो आप, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम लेक्चर्स को दोबारा देखो, लेक्चर्स को दोबारा देखो। एक सीक्वेंस में बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि हैपजर्डली वे में, एक कनेक्टिविटी है लेक्चर्स में। आप सारे लेक्चर्स को जब देखो, अगर तुमको फिजिक्स सीखना है ना तो तुमको कनेक्ट करना आना पड़ेगा। कनेक्ट करना मतलब वो होता है ना कि बोलते हैं ना कि लाइफ इज फुल ऑफ डॉट्स एंड यू हैव टू कीप कनेक्टिंग द डॉट्स, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा ही फिजिक्स में भी है। फिजिक्स के जो कंसेप्ट है वो डॉट्स हैं, और आपको अगर फिजिक्स सीखना है ना तो सारे डॉट्स को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर बीच में एक भी डॉट आपने गायब किया ना तो फिर फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर मेरे को तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उस हिसाब का रिप्लाई नहीं मिल रहा मेरे को, उस हिसाब से मैं नहीं सीख पा रहा, तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको तकलीफ देगा, लेकिन एक बार जब आपने मैकेनिक्स 100% सीख लिया ना, अब 100% तो नहीं सीख पाएंगे, जब आपको मैकेनिक्स का 50% नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, तो आप जो डर है ना फिजिक्स का वो खत्म हो जाएगा। अब अगर मैकेनिक्स तुमको आ गया, अब मैकेनिक्स आने के लिए तुमको वेक्टर आना पड़ेगा, अगर तुमको वेक्टर अच्छे से आता है तो ही तो मैकेनिक्स अच्छे से सीख पाओगे। वेक्टर सीख लिया तो मैकेनिक्स सीख लोगे तो बाकी का फिजिक्स तो मैकेनिक्स में ही भर भर के है। देखो सिंपल से फॉर्मुलाज होंगे, फिर भर भर के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, मैकेनिक्स से ही बनाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, और अगर मुश्किल लग रहा है तो चार बार और देखेंगे लेक्चर को, ठीक है, एक बार से जी नहीं भरता, चार बार देख लेंगे लेक्चर को। हाय, एक तो ये गंदा सा डस्टर हमारे पास है, कपड़े अच्छे हैं कि नहीं इनके पास, अभी तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। अब क्या है ना, वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, वेक्टर एंगल गिवन है, तब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, और वेक्टर अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब थर्ड टाइप का वैरायटी देखेंगे क्वेश्चन का, टाइप थ्री प्रॉब्लम। वेक्टर्स में क्या देखने वाले हैं? टाइप थ्री प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप थ्री प्रॉब्लम्स क्या होगा? टू फाइंड वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जो वेक्टर एंगल है वो फाइंड करना अपने को सीखना है। बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का वेक्टर एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड करना सीखना है। अब ये एप्लीकेशन भी बहुत काम आता है, प्रोजेक्टाइल में इसको यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, आसान क्वेश्चन ही लेते हैं स्टार्टिंग में। ए वेक्टर मेरे पास ऐसा है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ये ए वेक्टर है,
और जो b वेक्टर है वो कैसा है, b वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस 4। कोई अच्छा वैल्यू ले सकते हैं क्या? 8 ले लेते हैं, 12i कैप ले लेते हैं और 5j कैप ले लेते हैं अच्छा वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, मेरे पास a वेक्टर गिवन है 13i कैप प्लस 4j कैप और b वेक्टर गिवन है 12i कैप प्लस 5j कैप, इस तरह से गिवन है। और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेक्टर एंगल, फाइंड द वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है जो हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या देखा कि जो वेक्टर डेफिनेशन था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो वेक्टर डेफिनेशन था उसको हम ऐसा लिख रहे थे क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं सिर्फ लेटर भी लिख सकता हूं, एक ही बात होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ वेक्टर एंगल बिटवीन देम, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अब यहां से अगर मैं कॉस थीटा ढूंढू, मान लो अगर मैं यहां से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करूं तो मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? एक बार मुझे कॉस थीटा मिल गया, अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल होता, मान लो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हाफ, मैंने सॉल्व किया और कॉस थीटा का वैल्यू मुझे हाफ मिल गया। अगर कॉस थीटा हाफ मिल गया इसका मतलब ये जो थीटा होता, ये थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा क्या? हाँ या ना? और कॉस थीटा मैं यहां से ढूंढ सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये सॉल्व करना आता है। अगर वेक्टर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में है तो मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व करना आता है। बस मुझे किसी तरह सीखना है कि अगर वेक्टर ऐसा लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल गया तो कॉस थीटा मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। एक बार कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया, अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ या ना? तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने को थीटा का वैल्यू ही ढूंढना है। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, ये जरूरी है यहां पर, और जब तक ये समझ में नहीं आया होगा आगे नहीं बढ़ सकते अपन। स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है जो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अभी सबसे पहला काम देखो, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है हमको, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो हमें आता है। अभी क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करना सीखना है। तो अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ऐसा गिवन है ए वेक्टर और आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखते कैसे फाइंड करते हैं। देखो मेरे पास जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, उसका एक्स कंपोनेंट है 3i कैप। मतलब जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट कितना था, 3i कैप, ऐसा कुछ है क्या? 3i कैप का इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कितना है, 4j कैप, 4j कैप, ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मेरे पास दो वेक्टर है 3i कैप और 4j कैप, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा यही a वेक्टर है क्या? 3i कैप और 4j कैप का जो रिजल्टेंट है वही तो a वेक्टर ना, a वेक्टर को ही तो तोड़ के अपन 3i कैप प्लस 4j कैप लिखते हैं। तो अगर मैं a वेक्टर का डायग्राम देखूं तो वो मुझे क्या दिख रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम क्या जानते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये था, r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही था क्या? कभी भी अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो फॉर्मूला होता था रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पर अगर मुझे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब r के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये a वेक्टर ही तो अपना रिजल्टेंट है ना, 3i कैप और 4j कैप का रिजल्टेंट a वेक्टर है।
तो 3i कैप और 4j कैप का रिजल्टेंट अगर a वेक्टर है तो r के प्लेस में मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहला वाला वेक्टर यहां पे 3 है क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वेक्टर, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे 4 है क्या, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का वेक्टर एंगल होता है। अगर आप देखोगे दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये 3i कैप और ये 4j कैप, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इनके बीच का वेक्टर एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये cos 90 हो जाएगा ना, इसको हम क्या लिख देंगे cos 90। अब इसको अगर आप देखोगे तो cos 90 वैल्यू 0 होता है सर, अगर cos 90 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया क्या, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या बच रहा है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बच रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा क्या। बात समझ में आ रहा है हाँ या ना। तो जब भी वेक्टर इस तरह के फॉर्मेट में गिवन है, कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में गिवन है और आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है और आपको क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, आप सिंपली, अब देखो ये जो 3i कैप और ये 4j कैप है, ये दो ऐसे वेक्टर्स है जो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का वेक्टर एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अब यहां पे रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो लगा दिया। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने देखा कि जब भी मुझे वेक्टर इस तरह के फॉर्मेट में गिवन है तो रिजल्टेंट के लिए मैंने क्या किया, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर कर दिया प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर कर दिया, एड कर दिया और रूट ओवर फाइंड कर लिया, वही हमारा रिजल्टेंट हो गया क्या, मतलब वही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया क्या। बात समझ में आ रहा है हाँ या ना। मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, ये आप इसको नोट कर लेना ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 5 आया है, कैसे फाइंड किया वो समझ में आया ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल अगर देख ले, जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। अब सेकंड एग्जांपल में क्या है, 12i कैप प्लस 5j कैप ऐसा कुछ है ना, 12i कैप प्लस 5j कैप है। इसको थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं, ऐसा मान लो यहां पे 13k कैप भी लिखा हुआ है, ऐसा 12i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस b वेक्टर का मुझे वापस से क्या करना है, मैग्नीट्यूड बनाना है। अच्छा स्टार्टिंग में मैं ऐसे डायग्राम वाइग्राम बना के कर रहा हूं, लेकिन आपको डायग्राम वाइग्राम नहीं बनाना है, आपको सिंपली क्या करना होगा, स्टेप्स याद कर लेने होंगे। कैसे, देखो अब ये b वेक्टर दिखता कैसा होगा पहले उसके बारे में देखा जाए। अगर तो b वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो 12 है क्या, मतलब b वेक्टर इस तरफ कितना है, इस तरफ 12 है, ऐसा ही है ना। पहला वेक्टर हमारे पास है 12i कैप, दूसरा वेक्टर j कैप के अलोंग है और इसका वैल्यू कितना है, 5j कैप है, ये 5j कैप हो गया क्या। बात समझ में आ रहा है अच्छा। तीसरा वेक्टर जो है वो 13k कैप है, वो क्या है, बाहर के साइड में ऐसे आ रहा है, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा ठीक है। थ्री हमारे पास तीन एक्सेस है, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और z एक्सेस से बाहर आ रहा होता अगर, तो अपन क्या करते हैं एट ए टाइम किसी दो वेक्टर्स को ही तो जोड़ सकते हैं ना। अगर मैं 12i कैप और 5i कैप को जोड़ू, अगर मैं 12i कैप और 5i कैप को जोड़ू तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं और मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो 5j कैप और 12i कैप, ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है क्या। अगर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट होता है रूट ओवर ऑफ पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ सॉरी रूट ओवर ऑफ पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा ही तो सॉल्व करना है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13 आ गया क्या, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आ गया, 13। अब मेरे पास क्या है, अगर मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, ये जो मेरे पास आया यहां पर 13 जो आया वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ना, तो अगर मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस गायब हो गई क्या। अब इन दोनों के प्लेस में ये वेक्टर है, बात समझ में आ रहा है अच्छा। अब यहां पे देखो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान से समझना, अभी मैं कैसे बताऊंगा। पहले दो वेक्टर 12i कैप और 5j कैप, इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 13 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ऐसा ही आ गया। अच्छा जो तीसरा वेक्टर था 13k कैप, वो वेक्टर ऐसा है क्या, देखो तो
13 के कैप, ये वेक्टर इस तरफ बाहर आ रहा है, ऐसा बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और जो z एक्सिस होता है, सॉरी एक कोरोना वाला नहीं था, हाँ वो मौसम चेंज होता है तो मेरे को होता है, ऐसा मत सोचना कि सर को कोरोना है, लेक्चर में लेक्चर देखते देखते मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 13 आ गया। अच्छा, अब लास्ट में देख रहे हो तो ये कितना है, 13 के कैप। अब ये 13 के कैप का जो वेक्टर है, ध्यान से सोचना, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर है क्या? हाँ या ना? अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर है तो ये जो रिजल्टेंट था इन दोनों का, 5j कैप और 12y कैप का, ये जो 13 वाला वेक्टर है और ये 13 वाला वेक्टर जो बाहर आ रहा है, 13 वाला वेक्टर जो मैंने प्लेन में बनाया है और 13 वाला वेक्टर जो प्लेन के बाहर आ रहा है, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री पे होंगे क्या? हाँ या ना? देखो तो ये एंगल जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा ना, ये प्लेन पे है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, प्लेन और प्लेन के पक्का परपेंडिकुलर हमेशा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं क्या? इसका मतलब ये 13 और ये जो बाहर 13 आ रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल वापस से 90 डिग्री है क्या? अगर एंगल वापस से 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? पहला वेक्टर, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मैग्नीट्यूड 13 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना? अच्छा, ये जो 13 का स्क्वायर था, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाँ या ना? यही पूरा रिजल्टेंट होगा क्या? बात समझ में आया? जब मेरे पास दो वेक्टर थे ऐसे, 3i कैप प्लस 4j कैप, अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना था, यहां पे अगर मैंने a का मैग्नीट्यूड निकाला था तो मैंने क्या लिखा था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा था क्या? हाँ या ना? अब मैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, अगर मैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो इस तरह से सारे के सारे मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे क्या? तो जब भी मेरे पास वेक्टर इस तरह से गिवन है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, वेक्टर अगर मुझे कंपोनेंट्स के फॉर्म में बताया गया है और मुझे वहां से मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपली याद क्या रखना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबका रूट ओवर कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मान लो मैं इसमें आपको बोलूं कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, इसमें एक सब क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब कोई भी रैंडम सा वैल्यू तुम कंसीडर कर लो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास वेक्टर पी है और वेक्टर पी ऐसा लिखा है -2i कैप -3j कैप +4k कैप, और मुझे क्या करना है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब अगर मुझे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने अभी क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर जो होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ऐसा लिख देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे माइनस हो प्लस हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या अपने को? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम स्क्वायर करने वाले हैं, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर वापस से हो गया 16। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 कितना 29, तो आंसर क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 29। आसान है क्या? हाँ या ना? तो हम क्या करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच में ये भी सीख लिया कि अगर वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आया क्या? हाँ या ना? अच्छा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये सब ना स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि सर कितना नई बातें आ रही हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ बातें ना तुमको याद रखना पड़ेगा, या तुम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुमको खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे पास शायद मॉड्यूल नहीं होगा पेस का, तो आप क्या करना ना, जो भी डीसी पांडे की बुक होती है, डीसी पांडे का बुक फॉलो करना, उसमें सीक्वेंस वाइज गिवन है, एक्सरसाइज टाइप के गिवन है, या तुम्हारे पास अगर सर लॉकडाउन है बुक नहीं मिल रहा तो कोई भी बुक तुम्हारे पास जो रेफरेंस का है ना तुम उसको यूज करो, उससे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन मतलब उसको पढ़ो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अभी मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, वेक्टर एंगल मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, व्हाट विल बी द वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने क्या देखा था कि कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर मुझे कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तो यही है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, पहले मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, एक एक करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये सॉल्व कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व करना है तो ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है ना हमारे पास। अच्छा, ए में देखो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो 3 × 12, आई का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ आई के साथ करना है तो 3 × 12 कितना हो गया, 3 × 12 हो गया 36, आई कैप डॉट आई कैप किया तो 36 आ गया। जे का टर्म यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 × 4 ये 20 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने प्लस में 20। के कैप का यहाँ पे कोई टर्म है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना आने वाला है, ये हमारे पास 56 का आ गया क्या, मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट कितना आ गया 56। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है क्वेश्चन में सॉल्व करने के, मुझे और क्या चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वेक्टर ए इक्वल्स टू 5 आ गया क्या हमारे पास। उसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे तो बी वेक्टर का आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा ना, तो बी वेक्टर को ये कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर हो गया क्या, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये एक्चुअल में आ जाएगा 13√2। ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, कैलकुलेशन कैसे किया, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये 169 है, ये भी 169 है ना, तो 169 × 2 जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो 13√2 आ जाएगा। ये मैंने ऐसे सॉल्व किया भाई, ये मेरे पास ऐसा आ रहा है रूट ओवर ऑफ 169 × 2 आया, 169 को रूट से बाहर निकालोगे तो 13 आएगा, 2 को रूट से बाहर निकालोगे तो √2 आएगा। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया गया, हाँ या ना। अब देखो फॉर्मूला में जो यूज करना था, ए वेक्टर यूज करना है, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यूज करना है पता है मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है अपने को, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करने हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं। दैट इंप्लाइज कॉस थीटा, अगर मैं लिखूं कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 56 आया ना, तो यहां पे लिख दिया 56 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना था 5 और मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना है 13√2, हाँ या ना। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा है, यहां से थीटा 90 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री ऐसा निकालना मुश्किल होगा। आपको एक बात पता होगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है क्या, तुम टेबल देख लो, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, टेबल देख लो, कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 कोई भी वैल्यू तुम देख लो वो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो अगर वो 0 से 1 के बीच में आएगा तो यहां पे क्या है, अब 0 से 1 के बीच में अगर तो मैं तुमको बोलूं कि कॉस 30 का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 60 का वैल्यू फाइंड करना, तो वो तो टेबल था अपने को पता था ना, लेकिन इसके अलावा भी वैल्यूज होंगे ना। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे जानना है cos 73 का वैल्यू, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ना, अगर cos 60 का वैल्यू है तो cos 73 भी होगा, अगर cos 60 का वैल्यू है तो cos 59 भी होगा क्या, कुछ बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब उतना सारा वैल्यूज अपने को याद नहीं रखना, उतना सारा वैल्यूज अपने को याद नहीं रखना, ऐसा नहीं सोचना कि सर 10th में तो 5 वैल्यू याद किए थे जो अभी तक याद नहीं हुए, क्या ये भी याद रखने पड़ेंगे क्या, नहीं याद नहीं रखने तुमको। तुम क्या करोगे, जब भी अगर तुमको ऐसा मिल जाए, मान लो तुमको क्या मिल जाए, कॉस थीटा कुछ आ गया मेरे पास, जैसे यहां पे इतना कुछ आ गया ना, तो यहां से देखो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू लिखने का तरीका क्या है, इस कॉस को उधर भेज रहे हैं क्या, जब भी कॉस को इक्वल्स टू के उधर भेजोगे ना, ऐसा लिख देना कॉस इनवर्स, बात समझ में आ रही है, ये याद रखना है अपने को। अगर मैं यहां पे थीटा निकालना चाहता हूं तो मुझे कॉस उधर भेजना पड़ेगा, जब भी कॉस को दूसरे साइड भेजोगे तो क्या लिख देना, कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 56 65√2। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू करेक्ट कैसे बताएंगे,
56 डिवाइडेड बाई 65 रूट 2, इसका वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है क्या? मतलब ये सेटिस्फाई हो सकता है ना? हाँ या ना? तो ये मेरा कैलकुलेशन था। मुश्किल था क्या? हाँ या ना? मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है भाई, आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो। हमें अगर दो वेक्टर्स के बीच का वेक्टर एंगल जानना है, दो वेक्टर्स के बीच का अगर वेक्टर एंगल जानना है तो तरीका क्या यूज करेंगे? सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना है कि कॉस थीटा जो है वो जिन दो वेक्टर्स के बीच का वेक्टर एंगल फाइंड करना है उन दोनों का डॉट कर दो और उसको डिवाइड कर दो मॉड ऑफ ए वेक्टर से मॉड ऑफ बी वेक्टर से। सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा वही क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है भाई, कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है, सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कैलकुलेट करना सीख लिया है क्या हमने? आज से पहले वाले लेक्चर में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज वाले लेक्चर में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं जब वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होता है, वो मैंने आज वाले लेक्चर में सीख लिया। तो मुझे ये कैलकुलेट करना भी आता है, मुझे ये कैलकुलेट करना भी आता है। और डिवीजन तो बचपन से ही सीख रखा है सर, हमने बचपन में ही सीख लिया था सर डिवीजन करना, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में डिवीजन करना सीख लिया था, मायर है सर अपन उसमें डिवीजन में। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का डिवीजन, जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं उनका डिवीजन। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे कुछ एक वैल्यू आएगा ना, जो भी वैल्यू, मान लो अच्छा वैल्यू आ गया, अच्छा वैल्यू आ गया, मान लो आ जाता 1/√2, मान लो 1/√2 आता तो क्या बोले? थीटा 45 डिग्री है। अगर अच्छा वैल्यू आ गया तो आपको टेबल से आप वैल्यू ढूंढ के बता सकते हो। लेकिन अगर अच्छा वैल्यू नहीं आया, जैसे इस वाले केस में अगर अच्छा वैल्यू नहीं आया तो कैसे लिखेंगे? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 56/65√2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशन थे। एक सिंपल सा एप्लीकेशन अगर मैं और कराऊं, जैसे मैंने तुमको एक नोट पॉइंट बताया था, नोट पॉइंट मैंने क्या बताया? जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है क्या? हाँ या ना? तो जब भी तुमको ऐसा पूछा जाए ना कि दो वेक्टर है और उनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम देखना आगे मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब ऐसा बोला जाएगा कि दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब भी ऐसा लिखा है ना कि दो वेक्टर है और आपस में परपेंडिकुलर है, तो सिंपली क्या करना है? उनके डॉट को जीरो से इक्वेट कर देना। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर इसमें बताऊं ना, मान लो मेरे पास वेक्टर पी जो है वो ऐसा है, -3i cap + 4j cap - 5k cap, वेक्टर पी ऐसा है और मेरे पास वेक्टर क्यू ऐसा बोला गया है, वेक्टर क्यू इक्वल्स टू -2i cap + 7j cap - zk cap, ऐसा बोला गया है। ठीक है, दो वेक्टर है -3i cap, 4j cap - 5k cap एंड क्यू वेक्टर इज -2i cap + 7j cap - zk cap, और आपसे यह बोला गया है इफ पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर, अगर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, देन फाइंड जेड, ऐसा क्वेश्चन बोला गया। दो वेक्टर थे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जो आपस में कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं, और हमें करना क्या है? हमें जेड का वैल्यू ढूंढना है। अच्छा, अब जब भी तुमको ये स्टेटमेंट मिल रहा है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सिंपल, अगर ये लिखा है तो इसके बाद का लाइन खुद से लिख देंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। जब भी ये लिखा है कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर जीरो है, पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर, जब भी ऐसा लिखा है तो इसका सेकंड वाला लाइन तुम खुद से लिख देना। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा लिखा है ना, मान लो ये लिखा है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से तीन इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं क्या? सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? P वेक्टर एंड Q वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? P वेक्टर एंड Q वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? P वेक्टर मे बी अ जीरो वेक्टर, और लास्ट पॉइंट क्या याद रखोगे? Q वेक्टर मे बी जीरो वेक्टर। तो जब भी ऐसा लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है यहां पर कि पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर, ये लिखा है मतलब ये तो इंप्लाई करता है, ठीक है,
कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट लिखा है ना कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर जीरो है, तो वहां से तीन इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं, या तीन इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों होंगे, कोई भी एक हो सकता है, या दो हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। p वेक्टर q वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, p और q में से दोनों में से क्या हो सकता है, कोई एक जीरो वेक्टर हो सकता है। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर बोले गए हैं। अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर बोले गए हैं तो दोनों के डॉट को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे क्या? अब डॉट करके देखो, माइनस थ्री माइनस टू ये क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो गया क्या? आई कैप का डॉट मैंने आई कैप से किया, माइनस थ्री माइनस टू प्लस सिक्स हो गया, प्लस फोर प्लस सेवन, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 28 प्लस फोर प्लस सेवन 28। अच्छा, प्लस जेड माइनस फाइव, सॉरी माइनस जेड माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव जेड हो गया क्या? ये पूरा डॉट प्रोडक्ट जो है ये पूरा सॉल्व करने पर जीरो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स जब आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 28 प्लस 6 ये 34 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 जेड आ गया क्या? इसका मतलब z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा माइनस 34 अपॉन 5। आसान है क्या, हाँ या ना? तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट है जो आपको बुक में मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, आपको बेसिक देखो क्या क्या टाइप के क्वेश्चन थे। पहला टाइप का क्वेश्चन था जब a वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, इनके बीच का वेक्टर एंगल भी गिवन है, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप से करना है, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप से करना है, और के कैप का मल्टीप्लीकेशन के कैप से करना है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो होता है किसी भी दो वेक्टर के बीच का वेक्टर एंगल ढूंढना। जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का वेक्टर एंगल ढूंढना है तो आप क्या करोगे, तीसरा मेथड यूज करोगे। तीसरा मेथड में क्या करते हैं, कॉस थीटा जो आता है, कॉस थीटा होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है, जहां पे थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी। और चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जब भी ऐसा बोला जाए कि दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन को यूज करके भी क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लेक्चर में।